और आज के दौर के कॉन्टेक्स्ट में आपने नोट किया होगा कि तबलीगी जमात पाबंदी लगी है और वहाँ पे जो कंसर्ट्स हो रहे हैं और नियोम प्रोजेक्ट जो स्टार्ट करने की कोशिश हो रही है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ सऊदी अरेबिया हो रहा है। अल्लाहु 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 अल्लाह। लेकिन ये बात याद रखें कि जब भी किसी कौम का उरूज का वादा होता है या उरूज की सिमत होती है तो उसको तो लोग बड़े अच्छे तरीके से एम्ब्रेस करते हैं, लेकिन अगर किसी को जवाल का पैगाम दिया जाए तो वो उसको, जब तक कि अल्लाह ना करे जवाल आ ना जाए, वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता। तो ये जो आपने बात की है, ये तो आपने वो बात कर दी है कि अल्लाह माफ़ करे हम अपने अरबी भाइयों को ये कहें कि आपने तो तबाह हो जाने हैं तो आप पाकिस्तान आ जाएं। नहीं, ऐसे नहीं होता। हम आखिरी वक्त तक यही कहते रहेंगे, कहना भी चाहिए और कोशिश भी होनी चाहिए कि हम ऐसे अमाल करें कि उन वईदों से बचें। और दोस्तों को भी यही मशवरा देना चाहिए कि आपको कुछ नहीं होगा, हम आपके साथ हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हमारी अफरादी कुव्वत आपके साथ है, हमारा ताउन आपके साथ है, इंशाल्लाह हम मिलकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे और कोई आपका बाल भी बेका नहीं कर सकेगा। तो ये तो एक बड़ी नेगेटिव बात हो जाएगी कि हम अल्लाह माफ़ करें उनसे कोई ऐसी बात करें, तो ये बहुत बड़े एक फितने का बायस और ताल्लुकात की ख़राबी का बायस हो सकती है इस तरह की बात करना। तो बाकी जो अरब की मामला है वेलुल अरब वाला, देखें उसको जो होना है सो होना है, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस मामले को हवा ना दी जाए। और आज के दौर के कॉन्टेक्स्ट में आपने नोट किया होगा कि तबलीगी जमात पाबंदी लगी है और वहाँ पे जो कंसर्ट्स हो रहे हैं और नियोम प्रोजेक्ट जो स्टार्ट करने की कोशिश हो रही है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ सऊदी अरेबिया हो रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट में आपने देखा होगा कि मैंने अपनी ज़ुबान नहीं खोली। उसकी एक बहुत बुनियादी वजह है। देखिए, मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि हक की दावत दी जाए, खैर की तरफ बुलाया जाए और बुराई से मना किया जाए। लेकिन ये मैं अपने पहले वीडियो में ये बता भी चुका हूँ, जो अम्र बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर है, इसका स्टैंडर्ड हर वक्त यूनिफॉर्म नहीं है। फितने के दौर में और है, अमन के दौर में और है। तो ये जो फितने की तरफ चीज़ जा रही है, इसके अंदर ज़ुबान दराजी ना करना मुनासिब है और इसमें बात ना की जाए, खामोशी इख्तियार की जाए तो बेहतर है। ये ना हो कि उनकी मुखालफत में, उनकी गलत बात को की मुखालफत करते करते हम अवामी गमो गुस्से को हवा देने में हमारा हिस्सा भी डल जाए। उससे क्या होगा? आपको मालूम है कि लीबिया में जब वो अवामी एक नौजवानों की तहरीक उठ रही थी मुखालफत की, तो क्या हुआ था? हर तरफ से उसको हवा दी जाने लगी और जो जो शॉर्ट कमिंग्स थी लीबियन गवर्नमेंट के अंदर, उनके सिस्टम के अंदर, उसको हवा दी जाने लगी। उसकी वजह से अवाम का गमो गुस्सा बढ़ा, मीडिया ने उसके ऊपर और ज़्यादा ज़ोर दिया, सोशल मीडिया पीक पर जा रहा था। और मुझे याद है कि जब हम ख़बरें देख रहे होते थे तो ये टॉप के जो इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज़ हैं, चैनल्स हैं, ये वहाँ के आम नौजवानों को बुला के उठा के हीरो बना रहे होते थे, वो छोटे छोटे बच्चे, और उनसे बाकियों को उकसवा रहे होते थे। और फाइनली उनमें से एक को, जिसको उन्होंने हीरो बनाया था, उनमें से चंद को, उनसे कहलवाया कि जी हमारे ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से और ये सब कुछ, तो नेटो आए हमारी मदद करें। यानी एक अवामी बगावत की सूरत पैदा की और फिर दुश्मनों को बुलाया मदद के लिए। अब वो फिर नेटो आ गई। अब देखें क्या है लीबिया में, किसकी गवर्नमेंट है आप मुझे बता दें, लीबिया में किसकी गवर्नमेंट है? जनों की, फितने की गवर्नमेंट है, जुल्म का राज है। और लीबिया मुअम्मर कजाफी के दौर का कैसा था? लाख महंगाई होगी। मैं नहीं कहता कि मुश्किल वो था, बिल्कुल अमन था, लोग बड़े सुकून में थे, लेकिन अपनों की हुकूमत तो थी, जुल्म तो नहीं था, बच्चों को जिंदा तो नहीं जलाया जा रहा था। अभी मिडल ईस्ट में जहाँ पे ये इराक, शाम,
लीबिया और यमन, इन इलाकों में देखें क्या होगा। पिछले दिनों एक वीडियो आई थी, बाद में उसको बिल्कुल रिमूव कर दिया गया यूट्यूब से, कि वहाँ किसी जो कुछ जर्नलिस्ट थे या कुछ लोग थे, उन्होंने जाके वीडियोस बनाई और उनको किसी तरह एक्सेस मिली। और हैरान कन बात ये थी कि पूरी पूरी बिल्डिंग्स के अंदर लोगों को स्टॉक किया गया, डंप किया गया और उनको ज़िंदा जलाया गया वहाँ पर। और वो जो हड्डियाँ और लाशें थीं उसके अंदर औरतें, मर्द, बच्चे एक दूसरे के ऊपर कमरों के अंदर स्टैक थे। और ऐसे क्या क्या वहाँ पर नहीं हुआ उन इलाकों में, क्यों हुआ? कि उन्होंने अपनी गवर्नमेंट्स के ख़िलाफ़ बगावत की। इस्लाम के अंदर इसकी कोई इजाज़त नहीं है।